Hello student, keep safe and stay at your home. This is your first instruction. क्योंकि बेटा अगर आप सुरक्षित हैं, आपकी फैमिली मेंबर सुरक्षित हैं, तो हमारे लिए कोई भी काम ऐसा नहीं जो हम नहीं कर सकते. और इस आने वाली मुश्किल घड़ी का भी सामना आसानी से कर सकते हैं. तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपना जो काम है लेट अस बी रिड्यूस द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1. बच्चों मेरा एक्सरसाइज विद वीडियो सेंड करने का एक ही पर्पस है कि आप उसको वॉच करें ध्यान से. जो चीज़ समझ ना आए आप उसको समझें और फिर भी ना आए तो आप उसे दोबारा से डिस्कस करें. लेकिन बच्चों पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा. आपने इस एक्सरसाइज को जो मैं करा रही हूँ आपने इसको होमवर्क में लर्न भी करना है और राइट भी करना है. राइट, लेट अस बिगिन स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स. जो हमारी वर्ड्स दे रखे हैं एक्सटेंडेड जॉइंट बी लार्ज स्मॉल के, ये हमारे को हेल्पिंग वर्ड्स देते हैं और वर्ड्स की हेल्प के द्वारा ही हम इस फिलअप को कंप्लीट करते हैं. हमारा फर्स्ट फिलअप है मदर डैश एंड टेक्स ऑफ अस. जो मदर है जो मम्मी है वो क्या करती हैं, लव्स करती हैं ना. तो हमारा मदर लव्स फर्स्ट में क्या है, मदर लव्स और टेक्स के साथ क्या आएगा, केयर एंड टेक्स केयर. टेक्स केयर मीन्स देखभाल, हमें प्यार करती हैं और हमारी देखभाल करते हैं. ए फैमिली कैन बी डैश और डैश. फैमिली बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी, बिग और स्मॉल. छोटी भी हो सकती है या बड़ी, समझ आया ना आपको. इनकी हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हैं. हू टेक केयर ऑफ अस, हमारी देखभाल कौन करता है, मदर. हू लव्स एंड टेक केयर ऑफ अस इन आवर फैमिली, हमारी फैमिली में हमारे को प्यार और हमारी देखभाल कौन करता है, मदर. तो इसके बाद नेक्स्ट है ए जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो नोन एज. जो ज्वाइंट फैमिली है उसको दोनों दूसरे नाम से और पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंडेड. मैंने देखो इस चैप्टर के लास्ट में और लास्ट की लाइन में आप ध्यान से पढ़कर देखना. ए ज्वाइंट फैमिली इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडेड, ई एक्स टी ई एन एक्सटेंडेड फैमिली. राइट, ए जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडेड फैमिली. हम जॉइंट फैमिली को सिर्फ परिवार को हम एक्सटेंडेड फैमिली विस्तृत परिवार भी कह सकते हैं. नंबर फोर है डैश फैमिली इज ए फैमिली वेयर फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन लिव विद देयर अंकल आंट्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स. ऐसा परिवार जिसमें माता पिता बच्चे अपने चाचा चाची दादा दादी के साथ रहते हो, कौन सी फैमिली होती है बच्चों, जॉइंट फैमिली. कौन सी, जॉइंट फैमिली. आपको ये हेल्पिंग वर्ड इसलिए दे रहे हैं आप उनके से छांट कर इसमें लिख सकते हैं, इस फैमिली को मैच कर सकते हैं कहीं को. जैसे एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड की फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली की आप स्पेलिंग टाइप कर रहे हैं और आप डाउट हैं तो आप जो हेल्पिंग वर्ड दे रखते हैं उनमें से आप क्लियर कर सकते हैं. राइट, इसके बाद टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शंस. क्या है बच्चों, टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शंस. मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट टू ऑल ऑफ अस इज, हमारे लिए सबसे जो वैल्यूएबल है, हमने चैप्टर रीड करते समय भी आई थिंक रीड किया था चैप्टर में भी कि मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट क्या है बच्चों. टिक द करेक्ट ऑप्शन में अब थ्री ऑप्शन है हमारे पास. एक वाई का मोस्ट वैल्यूएबल है नो,
आप राइट करेंगे, सिक्स मार्क्स उसमें लगाएंगे, आवर मदर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन द गर्ल गेट मैरिड, व्हेन द गर्ल गेट मैरिड दे लीव देयर, वे क्या करती हैं, किसके घर को छोड़ती हैं जब उनकी शादी हो जाती है, तो हस्बैंड के घर को छोड़ती है, किसको छोड़ती है बेटा, किसको छोड़ती है, पेरेंट्स के घर को, लड़कियों की शादी होती है तो अपने मम्मी पापा का घर छोड़कर अपने हस्बैंड के घर जाती है, वो तो क्या किस पर टिक मार्क लगाएंगे, पेरेंट्स पर, पेरेंट्स होम, पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर को छोड़कर। योर नानी इज योर डैड, तुम्हारी जो नानी है वो क्या है, फादर्स मदर, पापा की मम्मी है, मदर्स मदर या कजन्स मदर, नॉट कजन्स मदर, नॉट फादर्स मदर, मदर्स मदर क्या है, इज राइट, जो मदर की मदर है वही नानी कहलाती है, मम्मी की मम्मी ही नानी कहलाती है। इसके बाद हमारा नंबर थ्री है, राइट टू और फॉल्स, नंबर वन, मदर डज नॉट टेक केयर ऑफ यू, मम्मी तुम्हारी देखभाल नहीं करती, नहीं करती, ट्रू या फॉल्स, क्या है बताओ, ट्रू नो, क्या है फॉल्स, क्योंकि मम्मी तो है जो मैं देखभाल करती हूँ, इसने तो झूठ बोला है, स्पेशल है क्यों, क्योंकि वो हमारी टेक केयर करती है, और देखो फिल्म में भी है ना, फिल्म में है, ध्यान से देखो, फिल्म नंबर वन, मदर लव एंड टेक केयर है ना, तो यहाँ पर क्या है, मदर स्पेशल हुई ना, ये क्या है, यू। और नंबर थ्री पर क्या है, जो न्यूक्लियर फैमिली से स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली से स्मॉल फैमिली, यस, क्योंकि केवल उसमें मम्मी पापा और बच्चे होते हैं, इसलिए वो स्मॉल फैमिली कहलाती है, तो ये क्या हुआ, राइट, ट्रू। तो आज हमारी चैप्टर वन की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और यदि आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि आप ये वीडियो वॉच केयरफुली करेंगे और ये एक्सरसाइज को लर्निंग करेंगे, जिससे कि जब मैं आपको टेस्ट दूँ तो आपको भी प्रॉब्लम ना हो, आपकी तैयारी आपका चैप्टर तैयार होगा, सिर्फ आपको रिवाइज करनी होगी, है ना, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।